पहले कमंडल फिर मंडल, पीएम मोदी के दांव ने 48 घंटे में बिहार की राजनीति में कर दिया बड़ा खेल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22 जनवरी को राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की थी। इस आयोजन के अगले ही दिन कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिए जाने का ऐलान हो गया। 48 घंटे के भीतर पहले कमंडल और फिर मंडल के दांव से क्या पीएम मोदी ने बिहार की राजनीति में बड़ा खेल कर दिया है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर की आज 100वीं जयंती है। कर्पूरी की जयंती पर राष्ट्रीय जनता दल RJD से लेकर जनता दल यूनाइटेड JDU तक सब अपने अपने स्तर पर इसे लेकर आयोजन कर रहे हैं, लेकिन केंद्र सरकार के ऐसे फैसले ने बिहार की सियासत में खलबली मचा दी। कर्पूरी की जयंती से कुछ ही घंटे पहले केंद्र सरकार ने मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित करने का ऐलान किया है। कर्पूरी ठाकुर नाई यानी हजाम जात से आते थे, जो अन्य पिछड़ा वर्ग OBC में आती हैं। कर्पूरी ठाकुर को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित करने के फैसले से केंद्र सरकार ने बिहार में पिछले 30 साल से पिछड़े और अति पिछड़ों की यानी मंडल की राजनीति करने वाले RJD प्रमुख लालू यादव और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सामने जबरदस्त चुनौती पेश कर दी है। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न से सम्मानित करने का फैसला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है, मगर जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी ने 2 दिनों के अंदर बैक टू बैक कमंडल और मंडल की राजनीति की है, उससे बिहार की राजनीति में जबरदस्त हलचल है। इंडिया 24x7 लाइव TV से ब्यूरो रिपोर्ट।